हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको फॉर्मेट ऑफ एक्चुअल रिपोर्ट आपको बताने जा रही हूँ। आप बहुत ही आसानी से इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बनाई हुई है वो स्पेसिफिक एक हिंदी सब्जेक्ट बनाई हुई है। वैसे तो ये सभी सब्जेक्ट्स पर चलेगी, लेकिन मैथ और इंग्लिश की जो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट होती है उसका कैलकुलेशन अलग होता है, तो उसका फॉर्मेट भी अलग होता है। तो मैंने वो अभी नहीं बनाई है, मैंने वन सब्जेक्ट्स पर ही शेयर की हुई है। आप ये एज इट इज़ कोई भी सब्जेक्ट्स पर चला सकते हैं, केवल दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर, इंग्लिश और मैथ को, ठीक है। आप सोशल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अनुसंधान, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे आप पॉइंट एज इट इज़ वैसे ही लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड जो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट होती है वो दो चीज़ों पे लिखी जाती है, एक तो आपके स्टूडेंट्स के ऊपर लिखी जाती है और एक आपके जो भी मैथड होते हैं चीटिंग के उसके रिगार्डिंग लिखी जाती है, ठीक है। और ये आपको ए4 शीट पे लिखनी है, वन साइड लिखनी है, टू साइड नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिकल थीम भी आता है, तो आप वहाँ पर आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर आप हड़बड़ा जाएंगे और वो चीज़ गलत हो जाती है, तो इसके लिए आप वन साइड ही लिखना प्रेफर करें, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके डार्क कलर्स होने चाहिए, जैसे कि जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं अपने एक्शन रिसर्च में वो आपका क्लीन होना चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो एज इट इज़ एक्सप्लेनेशन में अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, आप बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे तो भी आपकी सही हो जाएगी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको समस्या की पृष्ठभूमि लिखनी है और अध्ययन की आवश्यकता का चित्र लिखना है, पूरा एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और बिल्कुल आप ऐसे ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वैसे ही आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई भी परेशानी आती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आते पॉइंट्स, तो आप क्वायरी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप एज इट इज़ आप जैसे कि मैंने आपको दिखाया आप वैसे ही नोट कर लीजिएगा, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। समस्या के संभावित कारण आपको जो भी लिखने हैं वो लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हिंदी भाषा हिंदी के लिए बनाई हुई है, तो मैंने शुरुआत भी हिंदी भाषा की लिखी है। फिर आपकी क्रियात्मक परिकल्पना आ जाती है, परिकल्पना उसे कहते हैं, एज इट इज़ आपका जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो भी हमने उपकरण यूज़ किए हैं उसको, उसके रिगार्डिंग आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद आंकड़ों को हमने किस तरह से एकत्रित किया हुआ है वो चीज़ हमें मेंशन करनी है, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप एज इट इज़ आप इसे नोट कर सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एज अ फीडबैक, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो बिल्कुल देखे जाइएगा, जिससे कि मुझे भी लर्निंग मिले और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके और अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे आंकड़े लिखे हुए हैं, कैसे कैसे मैंने इसको किया हुआ है, कौन से उपकरण मैंने यूज़ किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखाते तो भी आप उस पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका ये कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आएगा आंकड़ों का विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है एज अ आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको परिणाम जो आपको प्रोवाइड हुआ है, आपको उस चीज़ से जो अचीवमेंट प्रोवाइड हुई है वो चीज़ आपको लिखनी होगी। उसके बाद निष्कर्ष आ जाता है और उसके बाद आपके सुझाव आ जाते हैं।